everyone, welcome to my channel. दोस्तों आज मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ डॉट एंड की स्किन केयर के न्यूली लॉन्च्ड स्ट्रॉबेरी ड्यू इन द स्पॉटलाइट स्ट्रॉब क्रीम का. और ये क्रीम छोटू सी क्यूट सी ट्यूब पैकेजिंग में आती है. इसका प्राइस है 349 रुपीज़, जिसमें आपको 30 ml प्रोडक्ट मिलता है और आप इसे 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये स्ट्रॉब क्रीम सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए. इसके टेक्सचर की हम बात करें तो बहुत ही लाइट वेट है और इसमें सिमरी पार्टिकल्स मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं. सो इसका टेक्सचर कुछ इस टाइप का है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये स्ट्रॉब क्रीम. अब मैं ये आपको मेरे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद स्किन में क्या डिफरेंस आता है. सबसे पहले मैं आपको मेरे हाफ फेस पर ये स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई करके दिखाती हूँ, जिससे कि इसको अप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आता है वो आपको क्लियरली विजिबल हो. ये बहुत ही जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और मैंने पहले भी बताया आपको कि लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम स्ट्रॉबेरी के जैसी है. मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी लगती है. इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है जो हमारी स्किन को रिफ्रेश करते हैं और स्किन को विजिबली ड्यूवी लुक देते हैं. इसमें नियासिनामाइड है जो हमारी स्किन से दाग धब्बों को हटाकर स्किन में रेडियंस को बूस्ट करती है. स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्किन में जो डिफरेंस आया है वो क्लियरली विजिबल है. स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पर हाइलाइटर जैसा ग्लो आ गया है और जिस साइड स्ट्रॉब क्रीम यूज़ की थी वो साइड मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रही है. ये स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और अप्लाई करने के बाद स्किन पर हाइलाइटर जैसा ग्लो आ जाता है. आप मेरे फोरहेड पर देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि इसको अप्लाई करने के बाद स्किन पर हाइलाइटर के जैसा ही ग्लो आ जाता है. अब मैं मेरे बचे हुए हाफ फेस पर भी ये स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ. ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है और ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, स्किन को ड्यूवी लुक देती है, स्किन पर हाइलाइटर जैसा ग्लो आ जाता है, जैसा कि अभी आप मेरी स्किन पर देख सकते हैं. सो दोस्तों, प्रीवियस क्लिप में आपने देखा कि ये स्ट्रॉब क्रीम अप्लाई करने के बाद स्किन में क्या डिफरेंस आता है. मुझे ये स्ट्रॉब क्रीम बहुत अच्छी लगी है. इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं. फर्स्ट, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी है. इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही स्वीट है, स्ट्रॉबेरी की जैसी. नेक्स्ट, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है और स्किन में बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाती है. बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है स्किन पर, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती अप्लाई करने के बाद. और ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, स्किन पर हाइलाइटर के जैसा ही ग्लो आ जाता है. मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और स्किन पर ग्लो भी आता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. अगर आप भी मेकअप लवर नहीं है और स्किन पर हाइलाइटर के जैसा ही ग्लो चाहते हैं तो इस स्ट्रॉब क्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई करें. इससे स्किन पर हाइलाइटर के ऐसा ही ग्लो आता है और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है. आप इसे काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट तो आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं. सेकंड, आप इसे एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, आप इसे मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे फाउंडेशन के साथ आप इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है स्किन पर, वो आपने मेरी स्किन पर देखा ही होगा. और सबसे अच्छी बात कि सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं. दोस्तों वैसे तो ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट फिर भी आप इसको पहली बार यूज़ करने से पहले एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें. अगर आप भी इस स्ट्रॉब क्रीम को ट्राई करने का सोच रहे हैं और हिचकिचा रहे हैं कि मैं ट्राई करूँ या नहीं करूँ, पता नहीं रिजल्ट कैसे हैं, देन अभी आपने नोटिस किया होगा कि मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं इससे और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है. तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से आप इसको ट्राई कर सकते हैं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिए. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए. अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.